हेलो स्टूडेंट, आप चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें आपने पढ़ा था पहले मोनेरा, किंगडम मोनेरा, उसके बाद पढ़ा था आपने किंगडम प्रोटिस्टा, और इसके बाद पढ़ोगे आप किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो होता है उसकी स्टडी की बात करें तो वो उसकी स्टडी माइक्रोलॉजी में की जाती है। किसमें की जाती है? माइक्रोलॉजी में। क्लियर है? अगर इनकी करेक्टरिस्टिक, कॉमन करेक्टरिस्टिक जान लेते हैं इस लेक्चर में कि इनके कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब कि न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, ये नॉन क्लोरोफिल प्लस होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। याद रखना है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ये हेटरोट्रॉप होते हैं न्यूट्रिशन में। सेप्रोट्रॉप या सेप्रोफाइट कह सकते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉप कैसे? मतलब ये डेड एंड डिके मैटर पर डिपेंड रहते हैं। कैसे डेड एंड डिके मैटर पर कैसे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए? क्योंकि ये जो अपने एंजाइम है उस फूड के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो फूड जो होता है क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद उस फूड से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ये इंटेक नहीं करते, च्यूइंग नहीं करते, ठीक है ना, ये नहीं करते, मेस्टिकेशन नहीं करते, इस तरह के कोई प्रोसेस नहीं करते। ये न्यूट्रिशन क्या करते हैं? अपना फूड जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। याद रखना, फंजाई जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब जानते हो, जो किसी लिविंग बॉडी पर डिपेंड रहना, बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये पैरासाइट प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये एनिमल में होंगे और प्लांट में भी होंगे पैरासाइट, ये डिपेंड रहेंगे दोनों पे। क्लियर है? इसके बाद ये तो पैरासाइट की पता चल गई। इनकी ये लगभग, ध्यान रखना, इनकी जो स्पीसीज है वो लगभग लगभग 1 लाख स्पीसीज। इनकी स्पीसीज कितनी? 1 लाख के लगभग स्पीसीज है फंजाई के। ठीक है, याद रखना है आपको। न्यूट्रिशन पता चल गया, क्लियर है? देखते हैं एक बार, न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये हेटरोट्रॉपिक पता चल गया ना, हेटरोट्रॉपिक कौन से? सेप्रोफाइट और पैरासाइट। इसके साथ साथ सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब जानते हो, जो एसोसिएट किसी ने किसी के साथ एसोसिएट फॉर्म में पाए जाए। अगर ये एल्गी के साथ पाए जाते हैं तो उन्हें लाइकेंस बोला जाता है। फंजाई और एल्गी जो साथ साथ मिल जाते हैं तो उन्हें लाइकेंस बोला जाता है, लाइकेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर ये हायर रूट के साथ, हायर रूट प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स की रूट होते हैं, अगर उनके साथ पाए जाते हैं उन्हें माइक्रोराइजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोराइजा फॉर्म। क्या बोली जाती है? माइक्रोराइजा। पूछ लिया जाता है किस फॉर्म में? रूट के साथ माइक्रोराइजा फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर पूछ लिया जाता है एल्गी के साथ किस फॉर्म में, तो लाइकेन की फॉर्म में फंजाई पाए जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन आपको पता चल गया, सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट। न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? मैंने पहले बता चुका हूँ कि एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ये इंटेक नहीं करेंगे, कोई ऐसे पकड़ के नहीं लेंगे, जहां फूड होगा उससे वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे अपना न्यूट्रिशन। क्लियर है? और हर जगह प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया की तरह मोस्टली हर प्लेसेस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये पता चल गया ना, मोस्टली एवरीवेयर। याद रखना, एवरीवेयर प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन एवरीवेयर। कहीं भी मिल सकते हैं, पानी में, सोयल में, बॉडी पे, प्लांट में, कहीं भी मिल सकता है। एक बार चेक करते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन हैबिटेट, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जहां तक कि इसके अंदर बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर, ऑर्गेन प्लांट और एनिमल दोनों के, बॉडी के बाहर और के अंदर। सेप्रोफाइट को बताया गया मैंने, सेप्रोफाइट मतलब डिपेंड ऑन डेड सब्सट्रेट, जो डेड मैटर उस पर प्रेजेंट होना, उससे कैसे उसको डिकम्पोज करके या उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को। पैरासिटिक डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेन, ठीक है ना, और ये एब्जॉर्ब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। सिम्बायोटिक में पहले बता चुका हूं, एसोसिएशन विद एल्गी, एल्गी के साथ एसोसिएशन फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन। अगर ये रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ पाया तो माइक्रोराइजा। कुछ ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजर, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं उसी तरीके से डिकम्पोजर का काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। अगर ये बैक्टीरिया फंजाई खत्म हो जाए तो अर्थ पर क्या होगी? बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। इनके ये जो होता है इंपॉर्टेंट रोल है इनका, फंजाई एंड बैक्टीरिया का, जो किस में डिकम्पोजिंग में। क्लियर है? इसके बाद ये मल्टी सेलर यूकैरियोटिक होते हैं। याद रखना, ये मल्टी सेलर यूकैरियोटिक होते हैं। पूछ लिया था कैसे होते हैं मल्टी सेलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के बने हुए, लेकिन एक्सेप्शनल भी होता कहीं ना कहीं, एक्सेप्शनल इसमें भी है। जैसे ईस्ट, ईस्ट जो होता है ओनली यूनिसेलुलर है,
बाकी जितने भी फल्ले पढ़ोगे वो सब कितने कैसे होंगे, मल्टी सेलर होंगे। किसको छोड़ के? ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर फल्ले, याद रखना आपको, ठीक है। इसके बाद अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे हाइब्रिड, ये इनकी बॉडी जो होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब जानते हैं किस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, याद रखना कैसी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाती है हाइब्रिड, ठीक है ना। इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, हम क्या बोलेंगे उसे हाइब्रिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाइब्रिड। अगर यही क्या करते हैं, ये हाइब्रिड मिलके क्या करते हैं, अगर ये नेटवर्क बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसे बोला जाता है माइसीलियम। क्या बोला जाता है? माइसीलियम। माइसीलियम क्या है कि नेटवर्क ऑफ द हाइब्रिड, नेटवर्क हाइब्रिड का एक जाल बन चुका है, जिसे हाइब्रिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइसीलियम। किसका बना हुआ? हाइब्रिड का। हाइब्रिड क्या है? सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोई भी आपको दिख रही है वो क्या है? हाइब्रिड है। अगर यही नेटवर्क बना लेती है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स, तो उसे क्या बोलते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम भी दो तरह का होता है, एक सेपरेट होता है और एक असेपरेट होता है, याद रखना कैसे होता है, एक सेपरेट होता है और एक असेपरेट। माइसीलियम सेपरेट कौन सा होता है? जिसमें पार्टीशन होते हैं, ये माइसीलियम मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या है ये? माइसीलियम। अगर इसमें पार्टीशन है, इस तरीके से पार्टीशन मिलेंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? सेपरेट। क्या बोला जाएगा? सेपरेट, याद रखना ये सेपरेट है। अगर इस तरीके से क्या है, माइसीलियम है, इनमें कोई पार्टीशन नहीं है, तो ये कैसे है? असेप्टेट। असेप्टेट को हम सिनोसिटिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिनोसिटिक, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है, तो सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती हुई जाती है, ठीक है ना, इसलिए मल्टी न्यूक्लियट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टी न्यूक्लियट कहलाते हैं। सिनोसिटिक जो होते हैं मल्टी न्यूक्लियट कहलाते हैं, ठीक है। सिंगल इस तरीके से वो ग्रोथ करता हुआ जाएगा, और उस ग्रोथ में क्या देखा जाएगा, जैसे जैसे माइसीलियम जो होता है ग्रोथ देखी जाएगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है ना, बढ़ता हुआ जाएगा। और ये जो होता है असेप्टेड होता है, सिनोसिटिक जो होता है कैसा होता है? असेप्टेड होता है। असेप्टेड मतलब कि असेप्टेड बोला जाता है, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लियर होता है। ये जो होता है ये पार्टीशन होती है, इसलिए सेप्टेड बोला जाता है। सेप्टेड मतलब इस तरीके से पार्टीशन होना, क्लियर है आपको? सेप्टेट पता चलेगा। माइसीलियम सरफेस कैसा होता है? इस तरीके से होता है सेप्टेट। और आपसे पूछा गया माइसीलियम असेप्टेट कैसा है, ये सिनोसिटिक पूछा है, तो ये क्लियर है जो मल्टी न्यूक्लियर होता है। दे रखा है इसमें फिलामेंटस बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइब्रिड और नेटवर्क ऑफ हाइब्रिड, उसे क्या बोलते हैं? माइसीलियम। और माइसीलियम जो होता है सेप्टेट भी होता है असेप्टेट होता है, असेप्टेट को सिनोसिटिक भी बोल देते हैं, क्लियर है। इसकी जो सेलोल होती है वो काइटिन की बनी होती है, किसकी? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ये जो होता है फूड रिजर्व करके रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये फूड रिजर्व पूछ लिया था, फंजाई जो होती है किस फॉर्म में फूड को रिजर्व करते हैं, तो क्या बोलोगे आप? ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को रिजर्व करते हैं। कौन? फंजाई। प्लांट किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। जबकि ये किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन। जैसे ह्यूमन में ग्लाइकोजन होता है, ऐसे ही रिजर्व फूड जो होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होती है फंजाई की, याद रखना, किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये जो होते हैं कुछ फॉर्म होते हैं, कहां कहां पर कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको बोला जाता है। जैसे कॉप्रोफ्लस, कॉप्रोफ्लस बोला जाता है। तो ये कॉप्रोफ्लस फंजाई कौन से होते हैं जो किस पर ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं किस पर? डंग पर, गोबर पर जो ग्रो करते हैं उनको कॉप्रोफ्लस बोला जाता है। और जो लकड़ी पे ग्रो करते हैं उन्हें इफिजेलस बोला जाता है, इफिजेलस। और जो ट्री बार, ट्री जो बार होती है उस छाल पे जो होता है बार जो होती है उस पे जो ग्रो करते हैं उसे कॉर्टिकोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्टिकोलस पूछे आता है, ठीक है। एक एंटीबायोटिक भी बोले जाते हैं, एंडोबायोटिक भी होते हैं। एंडोबायोटिक होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें एंटीबायोटिक भी बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी याद कर लेना आपको, कॉर्टिकोलस मतलब जो ग्रो करते हैं डंग में, एपिजेलस मतलब कि जो वुड पे ग्रो करते हैं, कॉर्टिकोलस मतलब कि ट्री बार पर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक बता सकते हैं, एंटीबायोटिक कौन से होते हैं बताओ? एंटीबायोटिक जो बॉडी सरफेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, एंडोबायोटिक कौन से होते हैं जो बॉडी सरफेस के अंदर होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। ये फंगस, उन्हें किस तरीके से बोला जाता है? कुछ डिसीज कॉजिंग होते हैं, जैसे देखो मस्टर्ड पे आप लीव्स
देखिए मस्टर्ड की जो आइस स्पॉट दिखाई देते हैं वो किसके कारण होते हैं? फंजाई के कारण। मस्टर्ड जो होती है सरसों की पत्ती होती है उस पर जब देखोगे आप उसको व्हाइट व्हाइट स्पॉट से दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं? फंजाई के कारण। ये डिसीज कॉजिंग भी होते हैं। कैसे होते हैं? डिसीज कॉजिंग। और इसके साथ साथ ये बियर बनाने में और ब्रेड बनाने में भी इसका यूज होता है। किसका? फंजाई का। फंजाई होता है डिसीज कॉजिंग भी होती है और बियर और क्या बनाने में? बियर और ब्रेड बनाने में किसका यूज होता है? फंजाई का यूज होता है, याद रखना आपको। और ये डिसीज पॉजिटिव होते हैं। कैसे? देखो जो ब्रेड और ये जो बियर जो बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है उनको बियर बनाई जाती है, ठीक है ना। इसके तरीके से ये जो होते हैं ये पता चल गया यीस्ट यूज्ड टू मेक बियर एंड बियर, क्लियर है। अब ये कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो डिसीज पॉजिटिव होते हैं, जैसे पक्सिनिया। पक्सिनिया जो होता है फाइटर्स के लिए रिस्पांसिबल, रिंगवर्म के लिए जो रिस्पांसिबल होता है वो माइक्रोस्पोरम होता है। माइक्रोस्पोरम एक फंजाई है, ट्राइलोफाइटन है, ठीक है ना। ये कुछ फंजाई होते हैं माइक्रोस्पोरम, ये फंजाई होता है किसके लिए? रिंगवर्म जो डिसीज होती है एनिमल में, ह्यूमन में देखा जाता है। पक्सिनिया ये रिस्पांसिबल होता है बीट रस्ट के लिए। पूछ लिया था पक्सिनिया किस डिसीज के लिए बीट रस्ट पॉजिटिव होती है, जैसे, ठीक है ना। इसके बाद ये एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है, कौन सी पूछ लिया था एंटीबायोटिक बनाने में कौन सी फंजाई का यूज होता है? तो बता सकते हैं पेनिसिलियम। किसका? पेनिसिलियम एक फंजाई है जिसका एंटीबायोटिक बनाने में यूज किया जाता है। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए, रिप्रोडक्शन ये असेक्सुअल भी करते हैं सेक्सुअल भी करते हैं, दे रखा है ना। रिप्रोडक्शन बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, याद रखना है आपको। ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी द्वारा करते हैं और सेक्सुअल भी द्वारा करते हैं, याद रखोगे। असेक्सुअल में कैसे? फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ये क्या करते हैं? असेक्सुअल। और तो और ये स्पोर्ट्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि बॉडी से क्या होते हैं इसको रिलीज करते हैं, जो जनरेट करते हैं वो सीधे सीधे बॉडी का या किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फंजाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये स्पोर्ट के द्वारा, स्पोर्ट्स के नाम भी आते हैं जिसके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कोनिडिया, स्पोरोडिया स्पोर, जू स्पोर्स, क्लियर है, याद रखना है। पूछ लिया था असेक्सुअल स्पोर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस स्पोर्ट्स के द्वारा करते हैं, याद रखोगे कोनिडिया, स्पोरोडिया स्पोर और जू स्पोर। कोनिडिया, स्पोरोडिया स्पोर और जू स्पोर इनके द्वारा क्या करते हैं? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन? फंजाई। फंजाई होते हैं किसके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो बता सकते हैं आप किसके द्वारा, किसके द्वारा, कौन से स्पोर है? कोनिडिया, स्पोरोडिया स्पोर और जू स्पोर, ठीक है ना। और भी प्रोसेस होते हैं फिजन और बडिंग और फ्रेगमेंटेशन जिनके द्वारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्लियर। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें भी किसके द्वारा? स्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्पोर्स से गैमेट्स। देखो तीन तरह से होते हैं, जू स्पोर, सॉरी ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिक स्पोर, याद रखना ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिक स्पोर। पूछ लिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, कौन से स्पोर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो बता सकते हैं ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर और बेसिक स्पोर जो होते हैं इनकी वजह से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्लियर है। अब सेक्सुअल जो साइकिल होती है वो क्या होती है? थ्री स्टेप पे कंप्लीट होती है। कैसे होती है? थ्री स्टेप में एक प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और थर्ड है आपका मियोसिस, याद रखना है। एक प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। कैसे? अब देखो इसमें बताते हैं, देखो इसमें आपको दिखाई देंगे ये हाइपी है, ठीक है ना, ये डिफरेंट हाइपी है, आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट हाइपी। ये डिफरेंट हाइपी क्या करेंगे? सबसे पहले इनमें प्लाज्मोगैमी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगा, जिसके क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। टू डिफरेंट जो होते हैं हाइपी उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? फ्यूज होने के बाद में ये हो गया एक प्रोटोप्लाज्म, बन गया प्लाज्मोगैमी। इसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी से पहले कंडीशन आती है डाइकैरियो, क्या आती है? डाइकैरियो, ठीक है ना। और डाइकैरियोन में डाइकैरियोन फेस आता है, कैसे? डाइकैरियोन, डाइ मतलब दू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इसमें कैरियोगैमी होने से पहले आपने पहले पढ़ा प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी टू डिफरेंट हाइपीज होती है, फ्यूज हो गए। देख सकते हैं कैसे ऊपर फ्यूज, रिपीट करते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट हाइपी है, ये दोनों फ्यूज हुए। क्या देखा गया इसमें आपको? प्लाज्मोगैमी देखी गई। कौन सी देखी गई? प्लाज्मोगैमी, क्लियर। प्लाज्मोगैमी हुए, अब प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ? कैरियोगैमी होगी उसके बाद। अब प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होगा तो उससे पहले डाइकैरियोन स्टेज आएगी,
क्योंकि इन दोनों के जो न्यूक्लियस है वो जाते ही फ्यूज नहीं होंगे, कुछ टाइम के लिए रेस्ट होंगे। तो ये जो होती है कंडीशन की कहलाती है डाइकैरियन कंडीशन, डाइकैरियन कंडीशन, ठीक है ना। ये डाइकैरियन कंडीशन है, कुछ समय के लिए रेस्ट करेंगे ये जो होते हैं न्यूक्लियस जो होंगे वो फ्यूज नहीं होंगे, कुछ टाइम बाद जब रेस्ट कर लेंगे इसके बाद ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। याद रखें डाइकैरियन कंडीशन को डाइकैरियन फेज भी बोला जाता है, फेज एंजाइटी भी रखता है। इसके बाद क्या होगा, ये जो होंगे फ्यूज कर जाएंगे, जो पूरा क्या कहलाता है कैरियोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है कैरियोगैमी। पहले प्लाज्मोगैमी हुआ फर्स्ट स्टेप में, डिफरेंट हाइपी के प्लाज्मा, डिफरेंट हाइपी के जो प्लाज्मा है प्रोटोटाइप है वो क्या हो गया फ्यूज हो गया, तो प्लाज्मोगैमी देखने को मिली है। इसके बाद आपको जब प्लाज्मोगैमी हुआ तो उसमें डाइकैरियन कंडीशन देखने को मिली, दो डिफरेंट न्यूक्लियस वो क्या थे दोनों हाइपी के वो फ्यूज नहीं हुए, कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर गए जिसकी वजह से डाइकोट फेज भी बोला जाता है। इसके बाद जो होता है इसमें क्या कंडीशन आई, इसमें कंडीशन आ गई कैरियोगैमी, इसकी आ गई कैरियोगैमी, ये हो गया कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे इसे कैरियोगैमी, याद रखोगे क्या बोलेंगे इसे कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियोगैमी हुआ, कैरियोगैमी में जब होने के बाद में याद रखना आपको कैरियोगैमी होगा तो इसमें जायगोट फॉर्म आ जाएगी, डिप्लॉइड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। और डिप्लॉइड फॉर्म आते क्या होगा इनमें म्यूसिस डिवीजन देखा जाएगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन होने के बाद में क्या होगा हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर। म्यूसिस डिवीजन के द्वारा क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन के द्वारा क्या होगा हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ठीक है ना। हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे ना, और हैप्लॉइड स्पोर जो होंगे वो रिपीट जनरेट करके हाइपी बनेंगे, फिर हाइपी से वही प्रोसेस आ जाएगा, ये एक साइकिल चलती है, ठीक है ना। याद रखना प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी क्या कुछ डिफरेंट हाइपी होते फ्यूज हो गए प्लाज्मोगैमी, उसमें फिर जब प्लाज्मोगैमी उसके बाद डाइकोरन कंडीशन आई, डाइकोरन मतलब दोनों जितने सो फ्यूज नहीं हुए तो वो रेस्ट स्टेज से आ गए, मतलब कि हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड ये कंडीशन आ जाती है, एन प्लस एन, ठीक है ना। ये कंडीशन डाइकोरन कंडीशन कहलाते हैं, एन प्लस एन, ठीक है ना। इस तरीके से डाइकोरन फेज देखा जाता है, उस फेज को क्या होता है डाइकोरन, उसके बाद उसमें कुछ टाइम बाद क्या होता है कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी क्या होता है दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस हो जाता है, डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है, जायगोट फॉर्म हो जाती है। जायगोट मतलब कि जिसमें म्यूसिस डिवीजन देखने को मिलता है, म्यूसिस डिवीजन में क्या होता है म्यूसिस डिवीजन के द्वारा क्या होता है ये जो होते हैं इनसे स्पोर निकलते हैं, और स्पोर निकल के वो कैसे स्पोर होते हैं हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं याद रखना किस जो स्पोर रिलीज होते हैं किस बॉडी से रिलीज होते हैं, जिस बॉडी से रिलीज होते हैं उसे फ्लूटिंग बॉडी बोला जाता है। पूछ लिया था जहां से भी स्पोर रिलीज होते हैं उन्हें फ्लूटिंग बॉडी बोला जाता है, फ्लूटिंग बॉडी से ही स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना फ्लूटिंग बॉडी से ही स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, किससे फ्लूटिंग बॉडी से क्या होते हैं स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर है। इस तरीके से क्या होता है साइकिल कंप्लीट होती है सेक्सुअल साइकिल। प्लाज्मोगैमी फिर कैरियोगैमी देखी गई, कैरियोगैमी डाइकोरन स्टेज और कैरियो डाइकैरियो फेज देखा गया, ये आपको पता चले। इसके साथ कैरियोगैमी देखने कंप्लीट हो गया, कैरियोगैमी के बाद म्यूसिस डिवीजन हुआ तो क्या देखा हैप्लॉइड स्पोर दे रखा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई, किसमें कैरियोगैमी और ड्यू टू द म्यूसिस इन डायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, इज दैट क्लियर। ये रहा आपका कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे किसके बन जाएंगे। इसके बाद आप जो पढ़ेंगे वो डिवीजन पढ़ेंगे, कौन कौन से डिवीजन या फाइलम बोला जाता है, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वो ये देखते हैं एस्कोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी, बेसिलोमाइसिटी, इस तरीके से डिवीजन आएंगे वो पढ़ेंगे, क्लियर है। ये फंजाई के बारे में आपने पढ़ेंगे।